फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप यूट्यूब की वीडियोस को अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं एंड उसको ऑटो प्ले मोड पे भी चला सकते हैं, मोबाइल के अंदर भी, डेस्कटॉप के अंदर भी एंड टैबलेट के अंदर भी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप यूट्यूब की वीडियो को अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बट दोस्तों, वहां पे मैंने ऑटो प्ले मोड का ऑप्शन प्लगइन के अंदर ऑन किया था, स्टिल वहां पे जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वो सिर्फ डेस्कटॉप के अंदर ही वर्क कर रहा था, मोबाइल के अंदर वर्क नहीं कर रहा था, राइट। सो ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसी वजह से मैं आज आपके लिए दूसरा तरीका लेके आया हूँ कि कैसे आप अपने YouTube की वीडियो को वर्डप्रेस के अंदर ऐड भी कर सकते हैं, प्लस उसको ऑटो प्ले मोड पे मोबाइल के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ऑटो प्ले मोड पे चला सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, चलिए मेरे लैपटॉप के अंदर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए अब मेरे लैपटॉप के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ये सब कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मेरी वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक आर्टिकल दिया है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे एंड कुछ दिनों बाद ही गूगल के अंदर भी रैंक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद क्या, एक दिन बाद ही ये गूगल के अंदर रैंक हो जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है इजिली। ओके, सो आपने इस आर्टिकल को सर्च कर लेना है और इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपको ये जो कोड मिल रहा है, आपने इसको पूरा कोड को कॉपी कर लेना है यहाँ पे, राइट। सो ये सिर्फ एक सिंपल सा कोड है और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कोड को कॉपी कर लेना है एंड उसके बाद क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम HTML का एक ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपडेट कर देना है, राइट। अपडेट जैसे ही करेंगे उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखिए अभी कोई वीडियो नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे ये वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो यहाँ पे ये वीडियो आ चुकी है और ये ऑटो प्ले भी हो रही है म्यूट में, राइट। तो आप इसका सेटिंग, म्यूट वगैरह जो चीजें होती है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये सब चीजें अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, राइट। सो यहाँ पे ये कोड मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया और वीडियो यहाँ पे दिख गई है। एंड दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कस्टम HTML का क्या बेनिफिट होता है, तो कस्टम HTML का यही बेनिफिट होता है कि आप वीडियो या किसी भी कंटेंट को कुछ भी किसी भी तरीके का मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, मतलब आप इसको देख सकते हैं अप्लाई कर करके। अगर आपको सेम एज इट इज कोड को पहले कॉपी करके कहीं रख लेना है एंड उसके बाद ही आपको ये सब करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये कोड को इम्प्लीमेंट किया और ये ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले तो हो गई, बट लेकिन मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि आपको अपनी वीडियो को कैसे इसके अंदर डालना है, राइट। सो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा एक वीडियो आईडी का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ये वीडियो आईडी का ऑप्शन है। आपने ये जो फालतू का जो ये कोमा एंड ये जो दिख रहा है इसके अंदर जो चीज डली है सिर्फ उसको ही कॉपी करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो मैंने ओपन करके रखा है, आप कोई से भी वीडियो को ओपन करेंगे तो इक्वल टू के बाद आपको जो भी कंटेंट मिलेगा या फिर जो भी वर्ड्स या कैरेक्टर्स मिलेंगे आपने उसको कॉपी करना है एंड देन उसके बाद क्या करना है, आपने वीडियो आईडी के अंदर आना है और यहाँ पे इतना जो सिलेक्ट किया हुआ है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, राइट। एंड उसके बाद अपडेट कर दीजिए। अपडेट जैसे करेंगे आपका ये आर्टिकल अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल चल रहा है, जो वीडियो चल रही है, वो डिपेंड वो है व्हाट इज डोमेन के रिलेटेड, राइट। अब बट यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग ये अर्न 25,000 के ऊपर वीडियो डाली हुई है तो इसका कोड डाला हुआ है, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए वीडियो चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे वीडियो देखिए चेंज हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपने कोड को कॉपी करना है, कैरेक्टर को, और यहाँ से उसके बाद पेस्ट कर देना है वीडियो आईडी के सेक्शन में। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो स्टेप करना है, कोड को कॉपी उठाना है वहां से, यहाँ से आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ से कोड को उठाना है, अपने वीडियो के कैरेक्टर को उठाना है, जो भी वीडियो का आपका लिंक होता है उसके अंदर आपको कैरेक्टर मिलेगा। ये आपको शेयर के बटन पे नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए, आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगा, आप इसको मोबाइल के अंदर या कहीं पे भी ऐसे करके इसको देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मिलने के बाद आपने इसको अपनी वेबसाइट के अंदर डालना है और इसको अपडेट कर देना है, उसके बाद ये आपका जो आर्टिकल्स है ये रैंक हो जाएगा। अब ये अच्छे तरीके से मोबाइल के अंदर भी वर्क कर रहे हैं, मैं आपको मोबाइल के अंदर दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके, ये जो मेरी वेबसाइट है इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ, उसी पेज के ऊपर आया हूँ जो मैंने अभी आपको लैपटॉप के अंदर दिखाया था, राइट। मैं उसके ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, मेरे को कोड मिला, कोड के बाद में जाऊंगा अपने वीडियो सेक्शन में, कोड जहाँ पे खत्म होगा वीडियो उसके बाद ही शो होगी, ये ध्यान रखिएगा।
सो यहाँ तक कोड खत्म हो गया और ये वीडियो 25,000 की जैसे मैंने आपको दिखाया था सेम वही वीडियो यहाँ पे आ गई है और ये ऑटो प्ले पे चल रही है। आप इसको अपने मोबाइल के अंदर डाल के चेक कर सकते हैं। अगर नहीं चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मोबाइल के अंदर ये नहीं चल रहा है, देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि आगे क्या कर सकते हैं, राइट। बट ये तरीका अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, मैंने अपने ही मोबाइल के अंदर नहीं बल्कि अपने दोस्त के मोबाइल के अंदर भी ट्राई किया है, देन उसके बाद ही मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ओके सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड दोस्तों, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या वर्डप्रेस वेबसाइट रिलेटेड और कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।